पटे दिल के लिए पंजाब को जानते हैं तो फिर भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है पंजाब हमेशा जुल्म के खिलाफ, यहाँ महापुरुषों की जमीन धरती है, ये वीरों की, फकीरों की, महापुरुषों की धरती, और हमेशा महापुरुषों ने जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ा है। अच्छा इंसान, नेक इंसान, शरीफ इंसान, सच्चा इंसान देश का प्रधानमंत्री बने। भारत जोड़ो यात्रा दे विच मौजूद हां, जेबा खान जी साडे नाल मौजूद ने, जिहड़े किसान अंदोलन विच अपनी भूमिका निभाउंदे रहे ने, ते कन्या कुमारी तों ही भारत जोड़ो यात्रा दे विच राहुल गांधी दे नाल चले आ रहे ने। ते गलबात करदे हां, तुसीं आप कन्या कुमारी से आ रहे हो साथ में, तो अलग अलग प्रदेशों में क्या हालात आपने देखे? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो पूरे पंजाब वासियों को बहुत खुशी है हमें पंजाब आकर, और हर जगह अलग अलग अनुभव रहा है, हर स्टेट में अलग अलग तरह से इस्तकबाल किया गया, लेकिन पंजाब की मेहमान नवाजी तो पूरे देश में फेमस है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पंजाब से मिल रहा है, और बहुत मान सम्मान यहाँ पर जितना हर जगह से अच्छा पंजाब का है। और मैं सभी पंजाब वासियों से ये अनुरोध करूंगी, हाथ जोड़कर अपील करूंगी कि आइए राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा में हमारा साथ दीजिए, अपने देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आपसी भाईचारा और प्यार को बचाने के लिए। ये यात्रा किसी पार्टी की नहीं है, पर बल्कि देशवासियों की यात्रा है। तो मैं आपकी बहन जेबा खान, आप सभी पंजाब वासियों से अनुरोध करती हूँ कि आइए और भारत जोड़ो यात्रा को मजबूत कीजिए, अपने प्यार और भाईचारे के लिए, देश में रहने के लिए, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जुड़िए। और मैं इससे पहले 13 महीने किसान आंदोलन में भी आप सभी के साथ सिंघू बॉर्डर पर गुजार चुकी हूँ, इसलिए पंजाब को मैं जानती हूँ, पंजाब को समझती हूँ, और पंजाब से मेरा अलग ही रिश्ता है, भाईचारे का, अपने खून के जैसा रिश्ता है पंजाब से। अगर बात की जाए तो बीजेपी की सरकार ने ऐसा क्या तोड़ दिया जिसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी को ये यात्रा करनी पड़ रही है? हर कुछ तोड़ दिया है, रिश्ते को तोड़ दिया है, भाईचारे को तोड़ दिया है, और देश में दो ऊंच और नीच, अमीर और गरीब की खाई को बढ़ा दिया है, लोगों की हिम्मत को तोड़ दिया है, रोजगार को तोड़ दिया है, हर चीज को तोड़ दिया है। और मैं जितना पंजाब को जानती हूँ, जितना कि पंजाब जहाँ पर खड़ा रहेगा उसके सामने फिर कोई नहीं टिकेगा। अगर पंजाब एक बार आकर खड़ा हो जाता है इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ, दिल खोल कर, जिस बड़े दिल के लिए, बड़े दिल के लिए पंजाब को जानते हैं, तो फिर भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है पंजाब हमेशा जुल्म के खिलाफ, यहाँ महापुरुषों की जमीन धरती है, ये वीरों की, फकीरों की, महापुरुषों की धरती, और हमेशा महापुरुषों ने जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ा है, और आज ये यात्रा भी इसी जुल्म और अन्याय के खिलाफ है। तो 2024 की इलेक्शंस के क्या नतीजे आप एक्सेप्ट कर रहे हो? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा, और अभी हम पंजाब में है, ये तो पंजाब ही दिशा तय करेगा कि 2024 का इलेक्शन किस तरफ जाता है। वो इन फासिस्ट ताकतों को पंजाब चाहता है बरकरार रहे, जो सभी पर जुल्म करते हैं, या फिर एक अच्छा इंसान, नेक इंसान, शरीफ इंसान, सच्चा इंसान देश का प्रधानमंत्री बने। धन्यवाद।